हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अन्नपूर्णा किचन में। हम बनाएंगे टमाटर की खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, ये आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं और मतलब एक लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको ये कैसे बनती है टमाटर की चटनी। ये मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, पहले मैं इनको काट लूँगी, फिर उसके बाद इसको मैं उबलने रख दूँगी। तो चलिए फिर काटते हैं इसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। सबसे पहले इन टमाटरों को हम 2 पीस में काट लेंगे। आजकल तो बहुत ही अच्छे फ्रेश टमाटर आते हैं। इस तरीके से हम इनको सारे टमाटरों को 2 पीस में काट लेंगे। देखिए, मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं। अब मैं इनको एक कढ़ाई में इसको डाल दूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढककर उबलने रख दूंगी, जिससे ये अच्छे से गल जाएंगे। तो अब इसको मैं गैस पे रख देती हूँ। टमाटरों को मैंने गैस पे रख दिया है और गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब इसको नमक को मिला के मैं इसको ढककर रख दूंगी और इसको बगैर पानी के ही उबालूंगी। अब इसको ढक देते हैं और 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के बाद खोलूंगी। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और ये टमाटर हमारे उबल चुके हैं। अब मैं इसका जो ऊपर ये छिलका है इसको हटा लूंगी। पहले देखिए, हमने इसमें पानी नहीं डाला है और इसमें कितना पानी अपने आप ही आ गया। जैसे ये छिलका हटा दिया है, मैं इसको एक ग्राइंडर में डालकर पीस लूंगी। पहले देखिए, ये हमारा पीसकर तैयार हो चुका है। अब हम वापस गैस पे कढ़ाई रखते हैं और इसे बनाते हैं। का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और इस पे कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूंगी और ये आधा चम्मच इसमें जीरा और थोड़ी सी इसमें हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही अच्छा लगता है। डालूंगी हल्दी, ये 1/4 चम्मच मिर्च, लाल कुटी हुई लाल मिर्च इसमें, ये धनिया पाउडर और ये इसमें मैं लौट दूंगी और इसको चला लूंगी। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये 2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो मैं इसमें डालूंगी। इससे हमारा जो है इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। अब इसमें ये डालूंगी मैं काला नमक। पहले मैंने सफेद नमक डाला था, अब मैं इसमें डालूंगी काला नमक। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम है। अब हम इसमें डाल देंगे ये चीनी। मैंने आधी कटोरी इसमें ये चीनी ली थी जो इसमें डाल दिए और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते ये खूब अच्छे से खोल चुकी है, यानी कि ये हमारी टमाटर की चटनी बनकर हो गई है अब तैयार। अब हम इसमें गैस का फ्लेम कर दूंगी मैं इस समय बंद और अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया। ये हरा धनिया तो लीजिए, बनकर तैयार हो चुकी है टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कमेंट्स कीजिए। आप भी इसे ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।